मैं कह रहा हूँ अल्ताफ भाई आ सकते हैं। इस बात का जो है मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी है क्योंकि वो आते हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गुड मॉर्निंग तमाम बहन भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अकरम खान बलोच, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अकरम खान व्लॉग्स। और आज का व्लॉग जो है हमारा सुबह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुका है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दें जो हमारे चैनल पर न्यू आ रहे हैं। उसके बाद चलते हैं व्लॉग की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू हो चुका है। हाँ जी, आज का व्लॉग जो है हमारा शुरू हो चुका है, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। और अभी जो है बाकी जैसे जैसे व्लॉग हमारा बनेगा आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हाँ तो प्यारे बहन भाइयों, अभी जो है हमारा आ चुका है जी नाश्ता। ये आप देख सकते हैं आलू मटर की रेसिपी, साथ जो है मज़ेदार घी वाली रोटी। और हम जो है बिस्मिल्लाह करके खाना जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। नादिया भी जी साथ है। जिस बहन भाई ने हमारे साथ नाश्ता करना है वो आ जाए। बाद में मुझे नहीं कहना कि आपने जो है अकेले अकेले खाना खा गया, क्योंकि काफी बहन भाई कॉमेंट्स करते हैं हमें, जो कहते हैं आप ये चीज अकेले खा गए, हमें नहीं दी है। लेकिन जो चीज भी हम खाते हैं तमाम बहन भाइयों को बुलाते हैं कि आप भी आ जाए हमारे साथ खा लें जी। फिर बाद में ये ना कहना कि आलू मटर की रेसिपी आप अकेले अकेले खा गए हो, हमें बुलाया नहीं। हाँ, फिर बाद में कहते हैं आपके नखरे भी खत्म नहीं होते। तो जिसने भी खाना है हमारे साथ आ जाए जी, नाश्ता जो है वो कर लें, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। जैसे आपको पता है बच्चे जो है वो चले गए हैं स्कूल, नाश्ता वगैरह करके, क्योंकि दो तीन दिन से ना सुन रहे हैं कि चेकिंग वाले आने हैं, चेकिंग वाले आने हैं, चेकिंग वाले आने हैं। तो बच्चे जो है सुबह 6 बजे से तैयारी शुरू कर देते हैं कि हमको टीचरों ने कहा है 7 बजे स्कूल में आना है, 8 बजे स्कूल में पहुंचना है हर हाल में। मैंने कहा है जो चेकिंग वाले अफसर होते हैं वो तो 9 बजे नींद से उठते हैं जी, वो कौन सा आपके स्कूल में 6 बजे पहुंच जाएंगे चेकिंग करने के लिए, क्योंकि स्कूल का टाइम जो है वो 8:30 बजे का है ना। तो उस पर अमल करते हैं, कहते हैं स्कूल का टाइम जो है वो 8:30 बजे का है कि बच्चे जो है 8:30 बजे राइट स्कूल में हो। लेकिन जैसे टीचरें कहती हैं तो 5 बजे से शुरू हो जाते हैं जी, हमने तो बस 7 बजे 7:30 बजे तक स्कूल में हम पहुंचना है, हर हाल में पहुंचना है। तो इसलिए ना थोड़ी जल्दी करनी पड़ती है नाश्ता बनाने के लिए। नादिया को भी 5 बजे उठना पड़ता है बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चे जो हैं स्कूल जाते हैं, क्योंकि आज बच्चों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं कि हम यही सोचते हैं कि माँ बाप की जो है सोच होती है कि बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख के कुछ ज़्यादा नहीं तो अपनी यानी कि हिसाब किताब में और लिख पढ़ में कुछ ना कुछ जो बेहतरी हो जाए। ये ना हो हमारे तना ना हो कि हमें थंबनेल भी आपको पता होगा, काफ़ी बहन भाई जो मेरे पुराने देखने वाले हैं उनको पता होगा कि एक थंबनेल पे भी मेरा काफ़ी रोले चलते रहे हैं कि थंबनेल भी मुझे बनाना नहीं आता था और टाइटल वगैरह हो गया ये भी मुझे कुछ भी नहीं करना आता था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ थंबनेल वगैरह ये चीज़ें जो हैं एडिटिंग वगैरह वीडियो की वीडियो अपलोडिंग ये सारा काम जो है ओके है। सिर्फ जो है टाइटल का मुझे मसला होता है, टाइटल जो है वो मुझे, क्योंकि वो इंग्लिश में होता है, उर्दू में अगर लिख दूँ तो लिखाई हो जाएगी लेकिन उर्दू में ना वो फिर चलेगा नहीं, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है, यूट्यूब कहता है कि इंग्लिश में अपने जो है टाइटल वगैरह डालें तो आपकी वीडियो जो है फिर रिकमेंड यूट्यूब करेगा और व्यूज़ जो है वो आएंगे। इस वजह से जो है उर्दू में जो है मैं टाइटल नहीं डालता क्योंकि उसमें व्यूज़ नहीं आएंगे, यूट्यूब रिकमेंड नहीं करेगा वीडियो को जी। तो सिर्फ टाइटल की मुझे अभी मुश्किल होती है, वो भी जब बेटी घर में हो तो फिर नहीं होती, क्योंकि लिखाई जो है कर लेता हूँ वॉइस के ज़रिए, फिर उसको चेक कराने के लिए बेटी से पढ़वा लेता हूँ कि बेटा इसको पढ़ देना कि क्या लिखा है जी। तो बाकी जो है अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम हमारा रेडी है। तो इस बात को सोचते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं कल को वो किसी के मुताज ना हो जी। किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ भी पढ़नी है लिखनी है तो इतना है कि वो कर जाएं कि अपना काम खुद कर लें जी। तो जी नाश्ता जो है वो करते हैं, तो जिस बहन भाई ने करना है आ जाए जी। पहले भी आपको कहा है जी, ये क्या है? ये सुर्खी लगाई है जी। आपके नखरे खत्म नहीं हो रहे? नहीं हो रहे। क्यों? आप लेकर देते हो तो मैं नखरे ही करती हूँ और क्या करूँ।
अच्छा जी, ये जी इसके नखरे भी खत्म नहीं होते। पैसे तो आपकी जेब से निकलते हैं ना, पैसे का कोई मसला नहीं है। फिर आप क्यों कह रहे हो कि नखरे कर रहे हैं? मेरी मर्जी में। अल्लाह ताला देता है पैसा जी इंसान को, इंसान अपनी जान पे अपने खाने पीने में इस्तेमाल कर दे तो वो अच्छा है। जाय करने से, ऐसे जाय करने से अच्छा है कि अच्छा अल्लाह ना करे जेब में से 5,000 गिर जाए तो वो तो गया जी, लेकिन वो गिरता है जो यानी के आपके नसीब में नहीं होता है जी। तो बाकी अल्लाह ताला खैर करे इंशाल्लाह जी। हम नाश्ता कर लें, बाकी की व्लॉग भी आपके साथ शेयर करेंगे। ऐसे जी ऐसे। हाँ, ये हमारा सालन रोटी, ये अभी आ चुकी है। हम करते हैं ये खाना स्टार्ट, आपने खाना है तो आ जाएं जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नाश्ता जो है वो हमने कर लिया है। अभी आ चुकी है जी हमारी चाय, जिसने चाय पीनी है वो भी हमारे साथ आ सकता है जी, बिल्कुल। नादिया भी चाय पी रही है, मैंने भी चाय जो है मेरी भी रखी हुई है, दूध पत्ती चाय बनाई है, तो आ जाएं। कोशिश करें, सिर्फ कोशिश करना आपका काम है, और चाय बना के दूध पत्ती खाना वो खिलाना आपको हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है। आप आए खाना खाएं चाय पिएं तो दिल खुश हो जाएगा जी, क्योंकि हम बुला बुला के थक चुके हैं लेकिन जो है नहीं आते। बहरहाल आपकी अपनी मर्जी है, वैसे टाइम निकालना पड़ता है क्योंकि किसी के पास जाना खाना वगैरह खाना चाय वगैरह पीना ये जो है ना टाइम जो निकालने पड़ते हैं जी, बिल्कुल टाइम निकालने पड़ते हैं, क्योंकि ये दुनिया है, दुनिया चाहे जितना भी काम से फारग हो जाए भी, हमें काम कोई भी नहीं है, फिर भी किसी के पास खाने के लिए जब जाना पड़ता है तो टाइम निकालना पड़ेगा। बोलेंगे ये भी करना है वो भी करना है, टाइम नहीं है, कल जाएंगे परसों जाएंगे, दो दिन के बाद जाएंगे, चार दिन के बाद जाएंगे, क्योंकि ये काम तो इंसान के साथ चलता ही रहता है। हाँ, ये खत्म नहीं होता है। तो कोशिश करें आ जाएं और आके चाय वगैरह पिएं और क्या कहते हैं खाना भी खाएं, खासकर अल्ताफ भाई को मैं कह रहा हूँ, अल्ताफ भाई आ सकते हैं और भाभी भी आ सकती हैं जी, बिल्कुल खाना खाएं जरूर हमारे साथ, क्योंकि जब भी आते हैं हमारे यहाँ उन्होंने खाना चाय नहीं खाया नहीं पिया जी, तो इस बात का जो है मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी है क्योंकि वो आते हैं और हमारे यहाँ जो है ना चाय पीते हैं ना खाना खाते हैं। तो अल्ताफ भाई से रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी जल्दी आ जाएं, कल आ जाएं। अल्ताफ भाई कल आ जाएं और भाभी के साथ आ जाएं और हमारे साथ चाय भी पिएं और खाना भी खाएं, फिर हम खुश होंगे कि माशाल्लाह हमारे भाई भाई जो हैं वो हमारे घर आ गए। क्योंकि पहले मैंने वीडियो बनाई थी वो मानते नहीं थे अल्ताफ भाई के, वो कहता था कि मैं मौलवी शोलवी नहीं हूँ। तो मैंने फिर देखता था वीडियोस भी उनकी, तो मैं डेली देखता हूँ, तो जब मैंने वीडियो देखी तो भाभी जो है वो कह रही थी मौलवी साहब वो कर रहे हैं, मौलवी साहब वो कर रहे हैं, तो मौलवी साहब ना जी जी कर रहा था, कहता था हाँ जी हाँ जी। तो मैंने जब वीडियो देखी मैंने वीडियो लगा दी, मैंने कहा कि ये मौलवी, हम मौलवी कहें तो गुस्सा कर जाते हैं, जब कोई और मौलवी कहे तो भाभी मौलवी कहे तो फिर जी 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 कर रहा है, जी करते रहते हैं। तो जब मैंने वीडियो लगाई थी फिर बाद में उसकी रिप्लाई वगैरह कमेंट्स वगैरह आए थे, वो कह रहा था कि यार आप जो भाई जो दिल करे आप बुलाएं, मौलवी बुलाएं, जो भी बुलाएं, अल्ताफ भाई बुलाएं, जो बुलाएं, आपको कोई रुकावट नहीं है। तो दिल जो है खुश हो गया था, लेकिन अभी जो है इंतजार है भी अल्ताफ भाई भाभी कब आएंगी और जो है हमारे साथ आके खाना खाएं और हमारे साथ चाय पिएं। अल्ताफ भाई अगर आप सुन रहे हैं तो जवाब जरूर देना है, अगर नहीं सुन रहे हैं वीडियो नहीं देख रहे तो फिर आपकी अपनी मर्जी है कि आप हमारी वीडियो भी नहीं देखते। तो देखते हैं आज के इस वीडियो में कि उनका क्या जो है वो जवाब आता है। ठीक हो गया जी, अभी हम चाय पीते हैं, कोई और बहन भाई भी आना चाहे तो वेलकम, मोस्ट वेलकम, आए आ सकते हैं और हमारे साथ खाना चाय वगैरह सब कुछ खा पी सकते हैं जी। हाँ जी, क्या हो रहा है अभी? ये सालन ना इसमें डाल के फ्रिज में रखते हैं।
क्योंकि हाँ रात जो है रात को हमने खाए थे वो चर गए सालन जो रख दिया था ना, खाया तो नहीं था तो रात तो जब आप लेकर आए थे लेग पीस तो वही खाए थे ना, तो ये जो है सालन बच्चा रखा है, इसको ना फ्रिज में रख दूंगी। सही है, बच्चे स्कूल से वापस आएंगे तो खा लेंगे खाना। सही है, दोपहर को यानी कि नहीं बनाना पड़ेगा। जी बिल्कुल नहीं बनाना पड़ेगा। हाँ क्योंकि ये खाया नहीं था ना, क्योंकि अभी कहाँ खराब होते हैं सर्दियाँ। नहीं नहीं खराब तो नहीं होता है, अभी नहीं होता है। ये है कि बच्चे भी दोपहर को आ जाएंगे, हम खुद भी गर्म करके फिर खा लेंगे। हाँ जी, तो ये बर्तन वगैरह बाकी सामान जो है अभी हमने नाश्ता वगैरह जो है वो चाय आपने भी पी ली? पी ली अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर जो है क्या करना है अब, ये बर्तन वगैरह जो है ये इकट्ठे करने हैं, ये इकट्ठे करने हैं, मशीन लगानी है, कपड़े आज धुलाई करने हैं, तो फिर घर का जो काम है वो भी करना है। सही सही, तो अभी बर्तन जो है ये इकट्ठे करके रखती हूँ, फिर मशीन लगा लेती हूँ। तो आप ऐसे करें, फिर वो जो मैं सूट ले आया हूँ ना उनमें से एक में नाड़ा डाल दें, तो मैं फ्रेश होता हूँ। फ्रेश होने के बाद जो है फिर कपड़े चेंज करके, कि ये वाला सूट जो मैंने कल पहना था ना ये भी आज धुलाई कर रही है तो इसको भी कर देना, क्योंकि इसका कलर इस तरह का है कि ये ना मैला हो जाता है जल्दी। ठीक है, आप चेंज करके दे दे मुझे, तो मैं ना मशीन लगाऊंगी तो इनको भी धुलाई कर लूंगी, और एक सूट कल का भी पड़ा है आपका वो भी धुलाई हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। हाँ जी, और कुछ बच्चों के हैं वो भी धुलाई कर लूंगी जितने भी, क्योंकि लाइट खड़ी है ना अभी जी। फिर ये ना वो लाइट चली जाए, मैं कहता हूँ कि मैं ना फ्रेश हो लूँ। फ्रेश होने के बाद जो है फिर बाकी का भी लोग भी देखेंगे इंशाल्लाह, आप जो काम काज करने वाले हैं वो भी कुछ कर लेंगी जी। तो फिर देखेंगे इंशाल्लाह जो भी होगा, मेहनत तो हम करेंगे जी, जरूर करेंगे। हाँ भी लोग जो है हमारा माशाल्लाह अच्छा बन जाए जी, बिल्कुल। वो इब्राहिम कहाँ गया? इब्राहिम इश्फाक के साथ सुबह से खेलने गया है, अभी तक वापस नहीं आया। वो कपड़े गंदे करके रखे होंगे उन्होंने, करके रखे हुए मैंने देखा बाहर, तो वो ना मट्टी में खेल रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि वापस घर आओ, तो वो नहीं माने, भाग गए बेबो भी और इब्राहिम भी। तो फिर मैंने कहा कि इधर आओ, आपका हाथ मुंह धुलाती हूँ, आप नाश्ता कर लो, ये सुना ही नहीं उनने, बस भाग गए, वहीं पर खेल रहे हैं बच्चे है ना। चलो सही हो गया, ये बर्तन वगैरह आप इकट्ठे करें, ये सारा सामान जो है रेडी कर दें, मैं थोड़ा ना रेस्ट करूंगा ना, थोड़ा रेस्ट करने के बाद ना आता हूँ, क्योंकि खाना खाया ना अभी तो घंटा खंड ठहर के ना जी। फिर जो है नहाऊंगा, क्योंकि पहले लेट नहीं थी जी। लेट होती तो आपको पता है खाने से पहले ही फ्रेश होते हैं जी, बिल्कुल। लेकिन आज जो है लेट नहीं थी पहले, अभी लाइट जो है वो आ चुकी है जी। तो थोड़ा फिर ठहर के ना फ्रेश होता हूँ मैं, सही है? ओके। तो जी अभी नादिया ने लगा दिया जी मशीन, मशीन लग गई जी, लग गई। वाह जी वाह, कपड़े धुलाई होने स्टार्ट हो गए जी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये देखें कपड़े जो है अभी धुलाई हो रहे हैं, बाकी जो है नीचे रखे हुए है, अभी मैंने भी ये वाला सूट जो है ये उतारना है जी। तो देखते हैं कितनी देर में ये हमारे कपड़े जो है ये भी धुलाई हो जाती है। तो आप भी कपड़े चेंज कर लेना। हाँ अभी मैं सोच रहा हूँ कि मोटर जो है वो चलाते हैं और मैं जो है नहाता हूँ, नहाने के बाद जो है फिर। तो इधर आए, मैं सोच रहा हूँ ना ये जो छपरा है इसको उखाड़ दूँ जी, ऐसा ही कर ले। कैसे? क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा ये देखे ना तो... ये देखे ना, इधर देखें, ये आगे कमरे हैं बिल्कुल, देखें ये साइड कलियर है ना, ये वाली कैसे खूबसूरत नजर आ रही है, ये वाली साइड पे ये छपरा जो खड़ा है ना जी, ये बिल्कुल बुरा लग रहा है मुझे। तो मैं सोच रहा हूँ कि कल सुबह ना, आज तो नहीं करते क्योंकि आज मुझे लेट हो जाएगी, ये देखे ना 10 बज गए हैं 11, तो ऐसे करते हैं कल ना सुबह जब मैं उठूंगा ना जी, सुबह उठते ही ये सारा ऊपर से जो सामान पड़ा है ये सारा उतार लूंगा जी, ऊपर कख काने जो भी पड़ा है जी, ये सारा उतार के ये शतीर वगैरह भी उतार देते हैं, ये पिलर वगैरह जो भी हैं ये सारे उखाड़ के ना ये पिलरों का फिर वो मुर्गियों के लिए खुड्डा बना देंगे। तो खुड्डे की जगह मैं अभी आपसे पूछने वाला था कि वो कहाँ पर बना लें आप ना, उस जगह पर बना दे उधर कोने पे मसीम की तगारी रखी हुई है, वहीं पर कोने में बना दें, क्योंकि इस साइड पे भी दीवार है और इस साइड पे भी
दो दीवारें आपको देनी पड़ेंगी, फिर जो है वहीं फिर उसके ना दरी बनवानी पड़ेगी हमें बड़ी, वो दरी भी बनवा के फर्नीचर वाली दुकान पे जो फर्नीचर बनवा के ना लगा देना, क्योंकि उसमें हमारा फायदा हो जाएगा, क्योंकि मुर्गियाँ अंडे वगैरह जो देंगी ना तो फिर वो निकालने में आसानी हो जाएगी। अगर थोड़ा सा खुडे का दरी रखेंगे छोटी, तो फिर वो अंडे उठाने के लिए या वैसे भी झाड़ू झाड़ू लगाने के लिए ना वो मुश्किल पड़ेगा। अगर वो मैं बनवा के लगा देंगे वो खिड़की जी, खिड़की लगा देंगे तो फिर झाड़ू की भी आसानी और जो भी चीज उधर से अंडे वगैरह उठाने पड़े या जो भी आसान हो जाएगा, क्योंकि सर्दियां जो है वो काफी आगे आनी है, धुंधे वगैरह भी होती हैं। ये तो इस वजह से हमने खड़ाया हुआ था क्योंकि पर उस साइड में ना दीवार नहीं थी, तो इस वजह से ना ये छपरा बेपर्दी होती थी ना जी। तो इस वजह से ना हमने क्या किया था भाई, ये ऊपर से छपरा था, परली वाली साइड कुछ भी नजर नहीं आता था। तो आगे अभी महीउद्दीन के कमरा आ गया है और उसकी चार दीवारी, महीउद्दीन ने कमरा बनवा लिया और उससे आगे ना उसकी सहन की दीवार आ गई मुकम्मल है। हमें ना ये आसानी हो जाएगी क्योंकि हम ये उखाड़ दें, एक तो खतरा है वो देखे, ये ईटे वगैरह इसकी गली पड़ी है, ये ना हो कि ये कोई किसी के ऊपर गिर जाए तो नुकसान हो, उससे बेहतर है कि इसको ना उखाड़ लेते हैं। कल ना ऐसे ही सोच मेरी अभी बन चुकी है, कल मैं इसको सारे को ना उखाड़ूंगा, फिर ये कचरा वगैरह जो है सारा एक बार हमें सफाई जो है वो करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और वो वाली छोटी जो दीवार है जो बच जाएगी वो खड़ी रहेगी फिलहाल, क्योंकि वो ये होता है कि हमारे यहाँ मुर्गियां वगैरह ये चीजें फिर उनके घर जाए, फिर वो दीवार जो है वो उसको रहने देते है, उसको नहीं उखाड़ते, क्योंकि मुर्गियां है वो भाई कह रहे थे कि मैं ना वहाँ पर सब्जी वगैरह लगाऊंगा, हाँ तो अपने सहन पे ना वो कोई चीज भी लगाए फर्ज करो तो ये हमारी मुर्गियां जाएंगे तो फिर वो जाएंगी वहीं पर, वो कहेंगे ये ना नुकसान करती हैं, हम ये दीवार उखाड़ दे तो फिर हमारी मुर्गियां वहीं जाएंगी और वो सब्जी वगैरह भी जाएगा या कोई का, हाँ वो फिर जो है ना सही नहीं है, मुर्गियाँ जो है वो नहीं अच्छा करेंगी, वो नुकसान करेंगी नुकसान करेंगी। तो कल जो है फिर इसको उखाड़ते हैं जी, ये सारा कचरा वगैरह जो भी है सारा एक साइड पे उधर खुड्डे के पास ले जाएंगे, खुड्डा बना के ना, बाकी जैसे ये कचरे वैसे ये कबाड़ जो है ना ये बेच दूंगा मैं। मैंने तो जब ये मेरी बात को कह रही हूँ कि आप ना वो टप वगैरह भी पड़ा है और जैसे वो पड़ी है ना बोतलें वगैरह प्लास्टिक टूटी वाली और वो चार पाई टूटी पड़ी है वो, तो वो पुराने गेट रखे हैं, मैंने तो आपको कब तक कहा है कि आप ना ये बेच दे। अभी ये है ना जब तो हमारे घर का सहन भी छोटा है, दूसरा ये कचरा कबाड़ वगैरह ना ये अच्छा नहीं लग रहा, वही मैं बात कर रहा हूँ कि ये ना अभी जब मैं सारा इकट्ठा करूंगा ना, ये लूहा जो है एक साइड पे कर लेंगे इकट्ठा एक साइड पे, जब कोई कबाड़ वाले से बात करूंगा वो आएगा उसको दिखाऊंगा भी ये हमारा सामान है, ये रेट लगा के बेच देंगे, क्योंकि अभी खिलरा पड़ा है ना सारा, वो खिलरे पे फिर पता नहीं चलेगा, जब सारा इकट्ठा कर दूंगा ना लूहा वगैरह जो जैसे गेट वगैरह ये पड़ा है जो भी है इकट्ठा करके फिर जो कबाड़ी आएगा उसको दे दूंगा। लेकिन ये काल उखाड़ते हैं जी, तमाम बहन भाइयों ने हमें बताना है कमेंट्स में कि ये हमारी जो सोच है ये आपको कैसी लगी है, क्योंकि ये सहन के सामने बिल्कुल, क्योंकि मजबूरी जब थी तो मजबूरी थी, क्योंकि मेरे पास बकरियां थी मैं यहीं पर बांधता था बकरियां, ये छपरा जो है बिल्कुल बंद किया हुआ था अगली वाली साइड पे भी, ये देखे यहाँ पर ये बंद था, तो अभी कुछ भी नहीं है, बकरियां वगैरह भी नहीं है, और ऐसे जो है ये ऊपर वाले जो लकड़ियां हैं सारा सामान जो है ये भी हमारी रोटी भी कम से कम ये 5-7 दिन 10 दिन जो है खाना भी बन जाएगा जी, बिल्कुल बन जाएगा, और बाकी जो सामान है ये सारा क्लियर हो जाएगा, सफाई अच्छी तरह हो जाएगी कर लेंगे और नीचे झाड़ू वगैरह लगा कर साफ सुथरा माहौल बना देंगे, क्योंकि इस तरह अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये सेंटर में है ना कमरे के सेंटर में है, परली साइड पे कोई चीज नजर नहीं आएगी ऐसे जी, बिल्कुल, ये जब उखाड़ देंगे तो वैसे भी महीउद्दीन मुझे कह रहा था कल के ये आप छपरा उखाड़ लें, क्योंकि उन्होंने ना ये वाला काटना है ये टाण एक टाण काटना है, क्योंकि वो सोच मैंने सुना है कि यहीं पर ना जी। ये जो जगह उन्होंने साइड वाली ओरली साइड पे ना वो कोई किचन का निजाम बना रहे हैं कि हम ना इधर चूल्हे वगैरह बनाएंगे किचन वगैरह, फिर वो जब बनाएंगे तो ये उनके लिए भी बुरा लगेगा हमारे लिए भी, जब भी वीडियो बनाएंगे वो तो ये जो है ना सारा सिस्टम आगे आ जाएगा, ये सही नहीं है, तो हम अगर बनाएंगे तो हमारे लिए भी ये सामने आ जाता है, अभी तमाम बहन भाई देख सकते हैं ये कितना बुरा लग रहा है जी, बिल्कुल बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको उखाड़ते हैं जी, कल हमने जहन जो है वो बना लिया है, बहन भाई भी कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि हमारा ये जो
हमने फैसला किया ये कैसा लगा, ठीक हो गया जी? जी ओके। हाँ तो प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की जो वीडियो है तमाम बहन भाइयों को पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को शेयर लाइक जरूर कर दें और इंशाल्लाह मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए चाहते हैं तमाम बहन भाइयों से इजाजत जी, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज जी, ओके बाय बाय।